हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिन्टॉक इंडिया जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और प्रॉपर नोट्स के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं तो हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास सेवन साइंस का चैप्टर नंबर थ्री हीट एंड दिस इज पार्ट फोर वीडियो जिसमें हम हीट ट्रांसफर स्पेशली कंडक्शन के बारे में डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर के जो बाकी टॉपिक्स है उनके वीडियो लिंक्स आपको इस वीडियो के बॉक्स मिल जाएंगे या फिर आप क्लास सेवन साइंस का प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं मिट्टॉक इंडिया चैनल में बट बिफोर वी स्टार्ट टू डिस क्लास हिज शर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी तो अब तक हमने ये पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तुलना में कितना ज्यादा गर्म है या फिर कितना ज्यादा ठंडा है उस चीज का फैसला निकालने के लिए हम टेम्परेचर निकालते हैं टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट की गर्मी का एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे ट्रांसफर होता है सो फॉर दिस वी हैव थ्री मेन टॉपिक्स फर्स्ट इज इज हीट हीट ट्रांसफर ट्रांसफर होता क्या है उसके बाद कौन से से कंडीशन में हीट एक जगह दूसरे जगह पे ट्रांसफर होगा एंड द थर्ड थिंग इज ये हीट का ट्रांसफर किस तरीके से होगा सो टेक एग्जाम्पल ऑफ हॉट मिल्क और हॉट टी जब हम स्टार्टिंग में इसे कप में डालते हैं वो कप तो कोल्ड होता है उसे हम आराम से टच कर सकते हैं इवन द ग्लास ऑल्सो इट इज कोल्ड एट द बिगनिंग लेकिन जैसे ही हम उसमें गर्म दूध डालते हैं और फिर बाहर से उसे टच करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है हाथ में बहुत जोर का झट्टा लग जाता है इवन द ग्लास ऑल्सो बिकम्स हॉट तो ये ठंडी चीज़ कोल्ड चीज़ अचानक से गर्म कैसे हो गई क्योंकि चाय में प्रेजेंट जो हीट है वो चाय से निकलकर किसी तरीके से कप में चली गई थिंक अबाउट वेन वी टेक टेम्परेचर हमारा जो बॉडी है हमें फीवर है हमारा बॉडी गर्म है थर्मोमीटर इन टू अवर माउथ दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द माउथ हमारे मुंह से गर्मी थर्मोमीटर के बल्ब तक पहुंची और फिर बल्ब में प्रेजेंट मर्क्यूरी गर्म होकर हीट होकर राइज होने लगा सो देन ओनली वी कू टेक द टेम्परेचर दैट मीन्स हमारे बॉडी से हीट निकल कर ही बल्ब तक पहुंची है इवन वेन वी कोको गर्मी तो फायर में मौजूद है द फायर इज हॉट शुरू शुरू में ये जो वेसल है पैन है ये गर्म नहीं होता इट इज कोल्ड एट द बिगनिंग लेकिन आग में डालने के कुछ टाइम के अंदर ही ये पूरा वेसल गर्म हो जाता है यहाँ तक कि वेसल के अंदर जो फूड मौजूद होता है वो भी गर्म होने लगता है और उसी गर्मी से फूड कुक हो जाता है दैट मीन्स द हीट फ्रॉम द फायर इज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू द पैन एंड देन इट इज़ ऑल्सो गेटिंग ट्रांसफर्ड टू द फूड एज वेल दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट की हीट का सोर्स कुछ और ही था लेकिन वो हीट बाहर निकल के किसी और जगह पे चला गया दैट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर सो यूल दिस एज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी द ट्रांसफर हैपन्स लाइक हेयर फायर इज वन बॉडी एंड द पैन इज अनदर बॉडी सो वन बॉडी से अनदर बॉडी पे हीट ट्रांसफर हुआ और हीट कैन ऑल्सो भी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ अ बॉडी जैसे इस पैन के फुल बॉडी में सबसे पहले हीट कहाँ मिला फायर उसे नीचे से मिला फिर धीरे धीरे करके पैन का बॉटम गर्म हुआ एंड देन स्लोली द हैंडल ऑल्सो बिकम्स हॉट दैट मीन्स द हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेसेस दिस इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर ना वाई आई से टेम्परेचर डिफरेंस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फोटोग्राफ यहाँ पे हीट कहाँ पे है हीट इज प्रेजेंट इन द फायर फायर गर्म है वेर ए स्टार्टिंग में ये जो पैन था ये पूरा ठंडा था इट वॉज कोल्ड आप इसे आराम से टच कर पा रहे थे सो द हीट गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी इस कंडीशन में भी आप कुछ टाइम के लिए हैंडल को टच कर पाएंगे क्योंकि ये हैंडल भी अभी तक कोल्ड है लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा धीरे धीरे करके इवन द हैंडल विल ऑल्सो बिकम हॉट दैट मीन्स गर्मी जो है हीट जो है वो धीरे धीरे फैल के पूरा हैंडल तक पहुंच गई अर्लियर देर वॉज टेम्परेचर डिफरेंस पहले ये पैन हॉट था हैंडल कोल्ड था लेकिन धीरे धीरे करके हीट ट्रांसफर होते होते ये हैंडल भी हॉट बन जाता है और हीट का इस तरीके से ट्रांसफर क्यों हुआ? क्योंकि ये सभी डिफरेंट टेम्परेचर्स पे थे सो हेंस वी कैन कंक्लूड दैट हीट विल ऑलवेज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी जो भी गर्म चीजें होंगी गर्मी हमेशा वहां से निकल कर ठंडी चीजों पे ही जाएंगी और वी कैन ऑल्सो से दैट हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर पॉइंट टू नोट हेयर इज दैट ये कभी भी उल्टा नहीं होगा हीट कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी पे नहीं जाएगी तो हीट जो ये ट्रांसफर हो रहा है ये कब तक 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 होता रहेगा तब तक होगा जब कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम ना हो जाए सो सपोज इफ देर आर टू डिफरेंट थिंग्स जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है 40 डिग्री सेल्सियस है तो उन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफर कभी नहीं होगा बिकॉज दे बोथ हैव द सेम टेम्परेचर हेंस हीट विल नॉट फ्लो इन बिटवीन दम सो नाउ इट इज क्लियर की हीट ट्रांसफर होता क्या है हीट ट्रांसफर कब होगा अब हम समझते हैं कि हीट ट्रांसफर कैसे होता है हाउ इट इज ट्रांसफर्ड लेट एस अंडरस्टैंड द वेज बाई विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाई ए सिंपल एग्जाम्पल सपोज दिस इज यू एंड हियर यूर फ्रेंड इज स्टैंडिंग और आपके पास एक बॉल है जिसका नाम है हीट आपको इस हीट को आपके पास से आपके फ्रेंड तक ट्रांसफर करना है तो आप कैसे उसे पहुंचाओगे एक तरीका यह है कि आप अपनी जगह से तो नहीं हिलोगे लेकिन आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कुछ और लोग बैठे होंगे तो आप पासिंग द बॉल की तरह उन बीच वाले बच्चों से कहेंगे कि इस बॉल को मेरे फ्रेंड तक पहुंचा दो तो इस तरीके से आपके पास से ये बॉल आपके फ्रेंड तक पहुंच जाएगा उसके बाद दूसरा तरीका यह है की आप खुद इस बॉल को लेके धीरे धीरे करके अपने फ्रेंड के पास पहुंचेंगे और अपने बॉल को फ्रेंड के पास पहुँचा देंगे तीसरा एक और तरीका है कि अपने ही जगह पे खड़े होके बॉल को थ्रो करेंगे और बॉल अपने आप ही बिना किसी की हेल्प लिए आपके फ्रेंड तक पहुंच जाएगा तो ये जो हमने तीन तरीके देखे जिसके साथ हम एक जगह से दूसरे जगह पे हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं द सेम टाइप ऑफ थिंग इन थ्री डिफरेंट वेस बाई विच हीट इज ट्रांसफर्ड सो द फर्स्ट मेथड बाई विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन सी ओ एन कन डी यू सी डक टी आई ओ एन कंडक्शन इट इज द फर्स्ट मेथड कंडक्शन शब्द जो है वो कंडक्ट से आया है कंडक्ट मीन्स टू पास थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लाइक हियर इन दिस पिक्चर द सोर्स ऑफ हीट इज द फायर जो गर्म है एंड वेन वी प्लेस अ वेसल ऑन टॉप ऑफ द फायर वी आर एक्चुअली गिविंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द फायर एंड द वेसल फायर और वेसल एक दूसरे को टच करते हैं दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फायर में मौजूद जो हीट है वो वेसल में पहुंचता है और वेसल भी धीरे धीरे करके हॉट हो जाता है दैट मीन्स हीट ट्रांसफर हो जाता है Another example is a vessel kept on fire with a ladle on it. Here also the fire, the vessel and the ladle they are in direct contact. ये तीनों touch कर रहे हैं एक दूसरे को तो fire में जो present heat है वो पहले vessel में transfer होता है और फिर vessel से जाके ja लैडल में ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड कंडक्शन वैसे तो हीट ट्रांसफर के टोटल तीन तरीके हैं पहला तरीका है कंडक्शन एंड कंडक्शन मेथड का जो हीट ट्रांसफर है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में होता है

सो हीट विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फायर टू दियरेस्ट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड दर क्लोजर टू दोर्स ऑफ द हीट दैट इज द फायर पहले सबसे पहले वो गर्म होंगे दिल गेट हीटेड बिकॉज वहां पे हीट ट्रांसफर सबसे पहले हुआ फिर वो पार्टिकल्स अपने साइड वाले पार्टिकल्स को हीट ट्रांसफर करते हैं और धीरे धीरे करके वो भी गर्म हो जाते हैं पार्टिकल अगेन हीटअप द नेक्स्ट पार्टिकल्स विच आर इन कॉन्टेक्ट विद डेम एक पार्टिकल को हीट मिला और उस हीट को उस पार्टिकल ने अपने नेबरिंग पार्टिकल को दे दिया दिस ट्रांसफर ऑफ हीट हैपन्स बाई द वाइब्रेशन ऑफ दिस पार्टिकल्स क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं इन पार्टिकल्स को मूवमेंट की बिल्कुल भी जगह नहीं होती तो ये एक दूसरे से एक दूसरे के पास ही हीट को ट्रांसफर करते हैं विच इज कॉल्ड टू कंडक्ट द हीट ये बिल्कुल हमारे उस पहले वाले मेथड की तरह है जैसे कि हमने अपने से अपने फ्रेंड तक इस हीट बॉल को पास किया था बीच में जितने भी हमारे फ्रेंड्स खड़े थे वो सभी पार्टिकल्स थे उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के पहला पार्टिकल हीट को रिसीव करता है अपने नेक्स्ट नेबर को पास ऑन करता है फिर वो पार्टिकल अपने नेक्स्ट नेबर को पास ऑन करता है इसी तरीके से हीट पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है और जब तक कि पूरे का heat, पूरे बॉडी बॉडी का का हीट फायर के टेम्परेचर के टू नहीं हो जाता सेम सेम नहीं हो जाता तब तक ये हीट का ट्रांसफर चलता ही रहता है नाउ दिस हीट इज नॉट विजिबल इसका कोई कलर तो है नहीं जैसे कि हम देख सके और इसे महसूस कर सके लेकिन इसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है विच इज गिवन इन एक्टिविटी थ्री इस एक्टिविटी के लिए हमें सबसे पहले एक मेटल रॉड लेना है वो अल्यूमिनियम का भी हो सकता है आयरन का भी हो सकता है या फिर आपके पास जो स्टील का स्केल होता है उसमें भी आप कर सकते हैं आफ्टर दैट वी हैव टू टेक अ कैंडल कैंडल को जला के उसका जो मोम होगा वो धीरे धीरे मेल्ट होगा तो आपको यहाँ पे, drop drop, पे कुछ टाइम के, के बाद वो लिक्विड और अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो दो ब्रिक्स के बीच में भी आप इसे इस तरीके से फिक्स करवा सकते हैं नाउ योर डन इतने देर तक आप जो ये स्केल पकड़ के काम कर रहे थे ये स्केल तो वैसे कोल्ड था है न, आप इसे आराम से टच कर पा रहे थे अब हम क्या करना है स्केल के एक एंड से हमें एक कैंडल जला के उसे हीट प्रोवाइड करना है तो बिल्कुल आग में रखे वेसल की तरह क्या होगा ये रॉड भी ये स्टील का स्केल भी धीरे धीरे करके गर्म होने लगेगा और फिर मोम गर्म होता है तो क्या होता है वैक्स गर्म होता है तो पिघलने लगता है तो वैसे तो ये जो आपने वैक्स के ड्रॉप्स लगाए थे इन्हें यहीं पे रहना चाहिए था कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि गर्मी तो हम यहाँ पे दे रहे हैं गर्मी इन मोम के ऊपर तो नहीं दे रहे हैं वी आर नॉट पुटिंग हीट ऑन दीज ड्रॉप्स ऑफ द वैक्स बट स्टिल यू विल सी दैट आफ्टर समय का टुकड़ा गिरेगा, उसके बाद यह मोम का टुकड़ा भी पिघल के गिर जाएगा थर्ड ड्रॉप ऑफ द वैक्स विल ऑल्सो मेल्ट एंड फॉल फाइनली धीरे धीरे करके पूरा लास्ट वाला वैक्स ड्रॉप भी मेल्ट होके गिर जाएगा सो वाई दिस हैपेन्ड दिस बिकॉज द हीट गॉड ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर बॉडी दैट इज द कैंडल टू द कोल्डर बॉडी और उसके बाद स्टील के स्केल के एक कोने से दूसरे कोने तक भी हीट का ट्रांसफर हुआ बिकॉज यहां पे टेम्परेचर कम था सो द हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर स्लोली स्लोली और क्योंकि यहाँ पे वैक्स था जो मेल्ट होके गिर रहा था इसी गिरने से हमें ये नजर आ गया और पता चल गया अगर ये सेटअप आपके पास नहीं है तो हम एक और मेथड से भी इस एक्सपेरिमेंट को घर में ही कर सकते हैं ये छोटे छोटे टी लाइट कैंडल आते हैं उसका यूज करके घर में पड़ी हुई चाकू का यूज करके एंड सेफ्टी पिंस हमें सबसे पहले टी लाइट कैंडल को जलाना है और फिर जब वो थोड़ा सा लिक्विड होने लगेगा पेरेंट्स की हेल्प लेकर ही आप उस मोम को ड्रॉप बाय ड्रॉप इक्वल डिस्टेंस पे चाकू के ऊपर डालेंगे इन ड्रॉप्स के ऊपर एक एक सेफ्टी पिन भी रख देंगे थोड़ी देर के बाद ये मोम के जो ड्रॉप्स हैं वो ठंडे होकर दोबारा सॉलिड वैक्स बना लेंगे अब आपको चाकू के कोने में एकदम सिरे पे हीट करना है सबसे पहले हमारे टी लाइट कैंडल से हीट चाकू के कोने में ट्रांसफर होता है और फिर धीरे धीरे करके पूरा चाकू भी गर्म होने लगता है तो जो चीज़ ठंडी है वो धीरे धीरे करके कंडक्शन के प्रोसेस से गर्म हो रही है और इसी तरीके से वन बाय वन ऑल द सेफ्टी पिंस विल फॉल डाउन विच शोज अस हाउ हीट इज गेटिंग कंडक्टेड इन सॉलिड्स इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम स्टील का स्केल यूज़ नहीं करके वुडन स्केल यूज करते तो क्या होता डू ऑल द सब्सटेंस कंडक्ट इक्वल हीट जब पैन के ऊपर खाना बन रहा होता है तो क्या हम उसे वेसल से टच कर सकते हैं हम बिल्कुल नहीं कर सकते हमें गर्मी लग जाती है और उसी तरीके से मेटल का हैंडल भी अगर हम टच करने जाएंगे तो हमें गर्मी लगती है लेकिन हमारे किचन में कुछ ऐसे पैन भी होंगे जिनके जो हैंडल होंगे वो वुडन नहीं तो प्लास्टिक के बने हुए होंगे और मम्मी उसे आराम से टच करके छू के उठाती है दिस ओनली प्रूव दैट अलग अलग चीजों में हीट का कंडक्शन सेम नहीं होता इसी को समझने के लिए हमारे पास एक और एक्टिविटी है थ्री पॉइंट सेवन वेर वी अ ग्लास एंड वी हैव टू पोर हॉट वाटर और उस ग्लास के अंदर हमें बहुत अलग अलग मटेरियल्स मटीरियल चीजें डालना है जैसे प्लास्टिक का कोई भी सामान लकड़ी का वुड का बना हुआ सामान मेटल का सामान एक्सेट्रा एंड देन आफ्टर सम टाइम वी हैव टू टच एंड सी क्या ये सभी चीजें एक ही जैसी गर्म हो रही हैं वी विल फाइंड दैट जो भी चीजें मेटल की बनी हुई है वो ज्यादा गर्म होती हैं जबकि प्लास्टिक और लकड़ी की बनी हुई चीज मेटल की तुलना में उतनी गर्म नहीं होती एंड डिपेंडिंग ऑन आवर ऑब्जर्वेशन वी कैन फिल टेबल 3.3 पॉइंट थ्री डिफरेंट लाइज इन द कंडक्शन ऑफ हीट तो वो मटीरियल्स जो अपने अंदर से हीट को इजीली पास होने देते हैं मतलब हॉट वाटर का हीट पाके एक साइड से गर्म होके दूसरे एंड तक भी जो चीज गर्म हो जाती है वो चीज अपने अंदर से हीट को पास करने दे रही है उसका पूरा बॉडी ही वो पूरी चीज ही गर्म हो रही है जैसे कि मेटल की बनी हुई चीजें इन सब चीजों को हम कहते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट फॉर एग्जाम्पल ऑल द मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम आयरन एंड कॉपर इवन द स्टील ऑल्सो और उसी के ऑपोजिट जो चीज़ें दो मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ टू हीट टू पास थ्रू देम इजीली, दे आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स या फिर उन्हें हम इंसुलेटर्स ऑफ हीट भी बोलते हैं जैसे कि वुड प्लास्टिक रबर एक्सेट्रा इवेन द वॉटर एंड एयर आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट इतने आसानी से हीट उनके आर पार नहीं जाती लेकिन फिर भी हमने पानी को गर्म किया है पानी के एक हिस्से से हीट दूसरे हिस्से तक पहुंचती है पूरा पानी गर्म होता है तभी तो चाय बनती है सो हाउ द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन लिक्विड लाइक द वॉटर एंड द गैस लाइक एयर सो लेट फाइंड आउट दिस इन आवर नेक्स्ट पार्ट जहां पे हम कन्वेक्शन पढ़ेंगे सो स्टेट विल मीट वेरी सुन थैंक यू वेरी मच बाय बाय